भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, दूर हुआ लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीचि हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां हम आज आप सभी लोगों के लिए गुरुकुल स्पेशल्स में एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो एक कुशल राजनीतिक होने के साथ एक प्रखर वक्ता, पत्रकार एवं कवि भी रह चुके हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये पंक्तियाँ सबके प्यारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई हैं। आज उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार से हैं। पहला, अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉ की पढ़ाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से अपने पिता के साथ की थी। इस दौरान अटल जी व उनके पिता एक साथ ही हॉस्टल में भी रहे थे। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करीबी व रिश्तेदार बाप जी कहकर बुलाते थे। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु वे मांस मछली खाने के शौकीन थे। पुरानी दिल्ली के करीम होटल का मांसाहारी भोजन उन्हें अत्यंत पसंद था। मांसाहार में प्रॉन्स उनके पसंदीदा व्यंजन हुआ करते थे। चौथा, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था तथा इस दौरान वे 24 दिन जेल में भी रहे थे। पांचवा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, परंतु एक लड़की को गोद अवश्य लिया था जिनका नाम नमिता था। छठा, अटल बिहारी वाजपेयी दो दैनिक समाचार पत्रों स्वदेश और वीर अर्जुन तथा दो मासिक पत्रिकाओं पांच जन और राष्ट्रधर्म के संपादक भी रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा से सांसद चुने गए थे। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश 4 राज्यों से चुने जाने वाले वे एकमात्र सांसद थे। आठवां, अटल बिहारी वाजपेयी के विषय में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावित होकर भविष्यवाणी की थी कि यह एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नवा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में भाषण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। दसवां, अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था। ग्यारहवां, सन 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने साक्षात दुर्गा की उपाधि दी थी। बारवा, 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, हालांकि संख्या बल कम होने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तेरवा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वे प्रखर वक्ता थे, इंदिरा गांधी भी उनका भाषण ध्यान से सुनती थी। चौदवा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की नींव अटल बिहारी वाजपेयी व उनके अन्य साथियों की पहल पर रखी गई थी तथा पहले 5 साल वाजपेयी जी ही इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कायम रहे थे। पंद्रवा, अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला लोकसभा चुनाव 1952 में लड़ा था जिसमें वे हार गए थे। पहली बार वे बलरामपुर से सांसद चुने गए थे। सोलवा,
अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13 दिन, दूसरी बार 13 महीने और तीसरी बार पूरे 5 वर्ष तक वे प्रधानमंत्री रहे। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 17वां, अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ पार्टी के लगातार 20 वर्षों तक संसदीय दल के नेता रहे। 18वां, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से संबंध सुधार की भी पहल करते हुए 19 फरवरी सन 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की थी। 19वां, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसकी भनक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी नहीं लग पाई थी। 20वां, अटल बिहारी वाजपेयी ने 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया था। 21वां, जब अटल बिहारी RSS में जुड़े थे तो उनके पिता ने सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनको इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उनको उनकी बहन खाकी पैंट देकर घर से बाहर कर देती थी, जिसे पहनकर वाजपेयी जी RSS की शाखा में जाते थे। 22वां, अटल जी का कविताओं के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने अपनी कविताओं की एल्बम जगजीत सिंह के साथ नई दिशा 1999 व संवेदना 2002 में रिलीज की थी। 23वां, अटल बिहारी वाजपेयी को मराठी भाषा का भी ज्ञान था। उन्होंने वीर सावरकर की कविताओं का मराठी से हिंदी में अनुवाद भी किया था। 24वां, अटल बिहारी वाजपेयी ने कई विभाग व योजनाएं चलाईं, जैसे जनजाति मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय, बेसिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम को सड़क से जोड़ने की योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजनाएं आदि। यह योजनाएं आज भी देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 25वां, जीवन के अंतिम 20 वर्षों में उनके लगभग 10 से अधिक ऑपरेशंस हुए व करीब 14 वर्ष की निरंतर अस्वस्थता के पश्चात 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, बोर्ड पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए।